अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे एडस्टेरा का अकाउंट बनाना है और कैसे उससे पैसे कमाने हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे जो है अपने ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉग हो या कोई वेबसाइट हो, उसका अप्रूवल कैसे लेना है एडस्टेरा से, तो ये मुकम्मल वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि एडस्टेरा का अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैसे अपने ब्लॉग को अप्लाई करना है और कैसे जो है उससे अर्निंग करनी है, कैसे ट्रैफिक जो है साइट पे लेनी है। तो इस मुकम्मल वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ लगे घंटी के आइकन को दबा देना है ताकि आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियोस जो मेरी हैं वो मिल सकें ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, वहाँ मैं आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन में। तो यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में या गूगल ओपन कर लेनी है, वहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है एडस्टेरा। तो फ्रेंड्स, सिंपली आप लोगों ने सर्च कर लेना है एडस्टेरा और यहाँ से जो दूसरे नंबर पे आपको वेबसाइट नज़र आ रही है एडस्टेरा.com, तो सिंपली आप लोगों ने इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आगे आप लोगों को क्या करना है वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोगों ने इसे जो है वो पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे जो है पढ़ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये नेटवर्क कैसे वर्क करता है। ये एड्स नेटवर्क है, जैसे एडसेंस होता है इसी तरह ये भी एक एड्स नेटवर्क है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि एडस्टेरा का अकाउंट जो है वो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है और एज अ पब्लिशर पे क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स, ये करने के बाद आप लोगों ने जो है वो सिंपली यहाँ पे आ जाना है, रजिस्टर का बटन आ जाएगा, आपको मिल जाएगा डोंट हैव एन अकाउंट, तो वहाँ पर क्लिक कर लेना है आप लोगों ने। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये इंटरफेस नज़र आ जाएगा, डू यू वांट टू सेल ट्रैफिक फ्रॉम योर वेबसाइट एप्लीकेशन फेसबुक पेज और अदर ट्रैफिक सोर्स। तो फ्रेंड्स, सिंपली आप लोगों ने अपनी जो है वो यहाँ से अपना नेम दे देना है, जैसे कि मैं अपना यहाँ से नेम दे देता हूँ और उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो है वो ईमेल आईडी यहाँ पे दे देनी है। फ्रेंड्स, ईमेल आईडी देने के बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अदर विंडो पे ले जाएगा और वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है इन्फॉर्मेशन मांगेगा और उसके बाद जो है एडस्टेरा का अकाउंट जो है ये मेरा ऑलरेडी इस आईडी पे बना हुआ है एडस्टेरा का अकाउंट, तो मैं दूसरी आईडी लगाता हूँ इसमें, तो मैं लगाता हूँ दूसरी आईडी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आईडी लगा दी और फिर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दिया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखें दूसरा इंटरफेस आ गया आप लोगों के सामने। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम ले लेना है या ईमेल आईडी देनी है, जो भी आप देना चाहें वो यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि वो आगे जाके आपके काम आने वाला है। उसके बाद आप लोगों ने इधर पासवर्ड लिख लेना है, जो भी पासवर्ड आप लोगों ने लिखना हो वो यहाँ आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख लेता हूँ, तो मेरे पासवर्ड लिख लिया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे मैसेंजर की आईडी देनी है, व्हाट्सएप का नंबर भी दे सकते हैं, जो है टेलीग्राम की आईडी दे सकते हैं, फेसबुक आईडी दे सकते हैं, वी चैट की आईडी दे सकते हैं, तो जो भी आपकी आईडी हो वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो दे देनी है। मैं यहाँ पर सिंपली व्हाट्सएप करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई सिंपली ऐसा ही कोई फेक नंबर लगा लेता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई ओरिजिनल नंबर ही दें, तो फेक भी आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद पेमेंट जो है आप किस में लेना चाहते हैं, अगर आपका वेब मनी का अकाउंट है तो यहाँ आप लोगों ने वेब मनी पे क्लिक करना है, अगर पेपाल का अकाउंट है तो पेपाल पे, अगर वायर ट्रांसफ़र का है तो आप वायर ट्रांसफ़र, मतलब यानी कि बैंक का अकाउंट है तो यहाँ पे बैंक का सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं वेब मनी सिलेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ये वेब मनी का अकाउंट आप लोगों से मांगेगा, आप लोगों ने सिंपली वेब मनी का अकाउंट बना देना है। अगर आप लोगों को नहीं बनाना आता तो YouTube पे वीडियोस भी देख सकते हैं और इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली आप लोगों ने वेब मनी का जो है वो अकाउंट दे देना है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है अपनी वेबसाइट दे देनी है जो कि आप लोगों ने बनाई हुई है।
अगर आपकी ब्लॉग पे वेबसाइट है तो ब्लॉग भी दे सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक वेबसाइट देता हूँ, तो मैं जैसे कि सिंपली एक वेबसाइट दे देता हूँ, shawave.com.pk। तो उसके बाद मैं यहाँ से वेब मनी का अकाउंट जो है वो फेक लगा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। तो ये कह रहा है कि सॉरी वैलिड यू आर ऑन ओनली लिस्ट योर वेबसाइट वन पर लिंक। अच्छा तो ये नहीं उठा रहा, तो एक मिनट मैं जो है दूसरी साइट का लिंक दे देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं दूसरी साइट का लिंक ले देता हूँ। jobs.pk0 blogspot.com। तो फ्रेंड्स ये देने के बाद आप लोगों ने रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना है, तो ये भी यूआरएल नहीं उठा रहा। तो जॉब्स पीके तो ये वाली जो यूआरएल है वो भी गलत है, अगर मैं सिंपली दूसरा यूआरएल